चैनल और अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं हूँ श्वेता। सो प्लीज यू सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि मेरे फ्यूचर के अच्छे अच्छे वीडियोस मिस ना कर दे। तो इस वीडियो बताने वाली हूँ अजियो ट्राई ऑन कुर्ती हॉल अंडर पीस 400। बहुत ही अफोर्डेबल कुर्तीज हैं ये। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूँ इस वीडियो में करने वाली हूँ रिव्यू ताकि आपको पता चले कि ये सारे प्रोडक्ट कैसे हैं। बेस्ट पार्ट अबाउट अजियो इज कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो थोड़ा जो अमाउंट है आपके अजियो वॉलेट में जाता है जिसको आप लेटर ऑन अपने प्रोडक्ट को नेक्स्ट प्रोडक्ट को जो है परचेस करने में यूज भी कर सकते हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन कौन सी मैंने कुर्तियां अजियो से ली हैं देन यू कीप ऑन वॉचिंग। इसके अलावा अगर आपको ये कुर्तियां लेनी है तो इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सो डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, बिल्कुल ही अफिलिएटेड नहीं है। अगर आपको पसंद आए तो ही आप लीजिए। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी कुर्तियां जो है मैंने अजियो से ली है। पहला जो कुर्ता है फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड बी इन डाई और इंडी, आई एक्चुअली डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस ब्रांड, बट मैं आपको बता दूँ ये जो है प्रिंटेड कुर्ता है विथ एम्ब्रॉयडरी। प्रिंट्स जो है आपको बैक पोर्शन में देखने को मिलेंगे कुर्ता के। प्रिंट का जो कलर है वो है डार्क पर्पल एंड लाइट पर्पल, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रंट में जो एम्ब्रॉयडरी का काम किया गया है। एम्ब्रॉयडरी जो है आपको चेस्ट पोर्शन से नीचे और स्टमक से थोड़ा ऊपर आपको एम्ब्रॉयडरी, फ्लावरी एम्ब्रॉयडरी आपको देखने के लिए मिलेगी। जिसके कॉलर की बात करते हैं तो चाइनीज कॉलर है और इसके नीचे जो आपको टी पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है उसमें जो है पाइपिंग का काम किया गया है। जब इसके स्लीव्स की बात करते हैं तो 3-4 स्लीव्स है और स्लीव्स के जो एंड में है वो सेम प्रिंट यूज़ किया गया है जो कि कुर्ता के बैक में है। मैं आपको बता दूँ ये इसका जो फिटिंग जो है मुझे वेस्ट पोर्शन में थोड़ा सा टाइट हो रहा था, ओवरऑल इसकी फिटिंग अच्छी है तो मुझे थोड़ा इससे साइज़ बड़ा मंगाना चाहिए था। यहाँ पर जो मैं साइज़ पहन रही हूँ मीडियम, इसमें जो है आपको ऑलमोस्ट सारे साइज़ मिलेंगे स्मॉल से लेके डबल एक्सेल तक। इसके प्रोडक्ट की मटेरियल की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूँ लिनन का मटेरियल है। इसमें जो है आप उसको मशीन वॉश कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ इसका जो है सॉफ्ट मटेरियल आप नहीं कह सकते, इसका कुर्ता का जो मटेरियल थोड़ा स्टिफ मटेरियल है। ओवरऑल जो ये कुर्ता बहुत ही अच्छा कुर्ता है बट आपको इसको लेने से पहले आपको साइज़ अच्छे से देखना ज़रूरी है। नेक्स्ट जो कुर्ता है वो है आवासा मिक्स एंड मैच ब्रांड का। इस पर्टिकुलर ब्रांड का मैंने अच्छा खासा कुर्ता ट्राई कर लिया है, बहुत ही अच्छा इसका कुर्ता रहता है। मैं आपको बता दूँ इसमें जो है मैंने यहाँ पे लिया है स्ट्रेट कुर्ता विद नॉच मैंडरिन कॉलर। मैं आपको बता दूँ ये मुझे पड़ा है 300 के आसपास। जब इसके कलर की बात करते हैं, यहाँ पर जो मैंने पहना है वो है रेड कलर। इसमें आपको दो कलर आपको देखने के लिए मिलेंगे जो कि है ब्लैक एंड रेड। इसके मटेरियल की बात करते हैं तो कॉटन का मटेरियल है। इसमें सेल्फ प्रिंट और स्ट्रिप पैटर्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। मैं आपको बता दूँ इसमें जो आपको 100% कॉटन का मटेरियल होगा, ये स्टिफ मटेरियल नहीं है, ये आपको फ्लोई मटेरियल आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं आप मुझे बहुत ज़्यादा लूज़ हो रहा है। यहाँ पर जो मैंने साइज पहना है वो है मीडियम बट आई विल सजेस्ट यू टू बाय वन साइज स्मॉलर। जब इसके स्लीव्स की बात करते हैं इसमें किसी तरह के स्लीव्स आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। यहाँ पे जो कुर्ता है वो है स्लीवलेस कुर्ता। आपको यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट पाइपिंग देखने के लिए मिलेगा। पाइपिंग का जो कलर है वो है ब्लैक। आपको आर्म होल्स के पास और हेमलाइन के पास आपको ये देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फ्रंट स्लिट यहाँ पे मौजूद है और कॉलर के नीचे जो यहाँ पे बटन्स मौजूद हैं अच्छे खासे। अगर आप ऐसा कोई मटेरियल खोज रहे हैं जो कि स्टिफ ना हो प्लस 100% कॉटन का मटेरियल हो देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस पर्टिकुलर कुर्ता। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसको लेने से पहले आप साइज का एकदम अच्छे से ध्यान रखें। नेक्स्ट जो कुर्ता है वो तो है फ्रॉम द ब्रांड कॉल आवासा मिक्स एंड मैच ब्रांड। आपको तो इस ब्रांड का मैंने बहुत सारे कुर्ता और कुर्तियाँ ट्राई की हैं और उसमें से बहुत सारी जो थी बहुत ही अफोर्डेबल और बहुत ही अच्छी निकली। मैं आपको तो ये जो है फ्लोरल प्रिंटेड पैनल स्ट्रेट कुर्ता है जो कि अराउंड मुझे 400 के आसपास पड़ा है। मैं आपको बता दूँ इसमें आपको जो है दो कलर मिलेगा, लाइट ब्लू और रेड कलर। यहाँ पे जो है मैंने लाइट ब्लू कलर यहाँ पे पहना हुआ है। इसमें जो है आपको ऑलमोस्ट सारे साइज़ देखने को मिलेंगे, एक्स्ट्रा स्मॉल से लेके डबल एक्सेल। यहाँ पे जो मैंने साइज़ पहना है वो है मीडियम। मैं आपको बता दूँ जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें चाइनीज़ कॉलर है, बीच में जो है वी यहाँ पे पैटर्न मौजूद है। फ्रंट में जैसे कि आप देख सकते हैं डिफरेंट क्लोथ का यूज़ किया गया है। ये जो है आपको एक कॉन्ट्रास्टिक और डिफरेंट लुक देता है। बहुत ही वाइब्रेंट कलर है ये वाला जो है, ग्रीन कलर का यहाँ पे यूज़ किया गया है।
ये जो है इसमें आपको स्लीव्स भी मिलेंगी, पॉकेट्स भी मिलेंगी। और जब इसके मटेरियल की बात करते हैं तो रेयॉन का मटेरियल है इसमें, नॉच पैंट कॉलर है, कॉन्ट्रास्टिंग स्टिच डिटेलिंग किया गया है, इसमें किसी तरह के डार्क्स मौजूद नहीं है। तो ओवरऑल ये जो कुर्ती है बहुत ही कंफर्टेबल और मैं आपको बताना चाहती हूँ पहनने के बाद बहुत ही सुंदर लगने वाली है। ये जो है पर्टिकुलर जो कुर्ता है मेरा फेवरेट कुर्ता है इन दिस पर्टिकुलर हॉल। नेक्स्ट जो कुर्ता है वो है फ्रॉम द ब्रांड कॉल चिया, प्रिंटेड एलाइन कुर्ता विद कॉन्ट्रास्ट हेम। जो इसका पर्टिकुलर कुर्ता का बेस्ट पार्ट है वो है इसका कॉन्ट्रास्टिंग हेम, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बोला पूरे कुर्ते में जो आपको डिफरेंट कलर की पट्टियाँ आपको देखने के लिए मिलेंगी, जो कि कलर है लाइट ब्लू कलर और डार्क ब्लू कलर। तो इसके नेक पोर्शन की बात करते हैं तो इसका जो नेक पोर्शन है वी है और चेस्ट पोर्शन में आपको बटन्स देखने के लिए मिलेंगे। इसका जो स्लीव्स है वो 3/4 स्लीव्स है, ये आपको लुक देगा अनारकली कुर्ता का, थोड़ा सा लूज हो रहा है। इसमें आपको जो है ऑलमोस्ट सारे साइज देखने को मिलेंगे, स्मॉल से लेके डबल एक्सेल तक। यहाँ पर जो मैंने साइज पहना है वो है मीडियम साइज, इसमें एक ही कलर मौजूद है जो कि रेड एंड वाइट जो कि मैंने यहाँ पे पहना है। मैं आपको बता दूँ 100% कॉटन का मटेरियल इसमें मौजूद है, इसके बाद गॉर्डेड प्लीट साइड्स यहाँ पे मौजूद है। शॉर्ट बटन ब्लैकेट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे चेस्ट पोर्शन में, जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें किसी तरह के डार्ट्स मौजूद नहीं है। इसको जो आप मशीन वॉश कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि दूसरे कपड़ों के साथ अलग करके आपको इसको वॉश करना है। तो ओवरऑल ये जो अनारकली कुर्ता है बहुत ही सुंदर कुर्ता है और ये जो मुझे पड़ा है आसपास 400 के आसपास में मुझे पड़ा है। तो अगर आप कोई अनारकली कुर्ता खोजे जिसका मटेरियल कॉटन हो और एवरीडे यूज़ के लिए, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस पर्टिकुलर कुर्ता। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर सच में आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया देन गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप ऐसे और हॉल वीडियोस देखना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके कोई भी सजेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या तो मेरे आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर मुझे डायरेक्टली दे सकते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। एंड या टिल माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।